अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज दो इंतहाई अहम केसेस ज़ेरे समाअत आए हैं। एक केस था सहाफ़ियों को हिरासा करने का, जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने सुना कमरा अदालत नंबर एक में, जबकि दूसरा केस 11:30 बजे कमरा अदालत नंबर चार में फौजी अदालतों में सिविल्स का ट्रायल जो कलदम करार दिया गया था उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत का था। छः रुकनी लार्जर बेंच ने आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में समाअत की है, और आज की समाअत में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ अहम बातें सामने आई हैं। एक बात अब सामने ये आ रही है कि काफ़ी हद तक तमाम जो फरीकैन हैं वो जो पार्शली आप कह सकते हैं कि फौजी अदालतों में जो ट्रायल करने का मामला है सिविलियंस का, उसको आप कह सकते हैं कि उनका जो इख्तियार समाअत है उसको मानने को तैयार हैं, जहाँ तक उन मुलजमान को बरी करने का ताल्लुक है। यानी अगर मुलजमान बरी होते हैं या उनकी सज़ा कम अज़ कम 6 से 1 साल के दरमियान है, तो फिर फौजी अदालतों को शायद इजाज़त दे दी जाए कि वो इस पर अपने फैसले दे दें। जहाँ तक जो सज़ाएँ लंबी होंगी उन पर अदालत मुमकिन तौर पर ये कह सकती है कि अपीलें डिसाइड होने के बाद ही फ़ाइनल किया जाएगा। सोहेल रशीद साहब हमारे साथ हैं। आज बड़ी इन लेंथ प्रोसीडिंग्स हुई हैं, बड़े दिलचस्प रिमार्क्स हुए हैं, और सबसे अहम चीज़ के समाअत के आगाज़ पर ही बेंच पर एक मरतबा फिर एतराज़ हो गया। सोहेल रशीद साहब, आप क्या समझते हैं आज की इस पूरी समाअत के बारे में? देखें, बेंच पर जो एतराज़ है, आप किसी रुकन पर एतराज़ नहीं है। बेसिकली बेंच की में जो तादाद है वो कम होने पर एतराज़ उठाया गया इस बार, क्योंकि 9 रुकनी बेंच तश्कील देने की इस्तेदा जादेस खाजा साहब ने सबक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने की थी, वो नहीं बनाया गया। 6 रुकनी बेंच बनाया गया, और 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ 6 रुकनी बेंच ये केस अपील में सुन रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप कमेटी को वापस भेजें मामला, और 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए ताकि कोई एतराज़ बाकी ना रहे, और कल को ये सवाल भी बाकी ना रहे कि अगर बेंच 9 रुकनी होता तो शायद फैसला मुख्तलिफ आता। ये उनका एक नुक्ता था, लेकिन उसको फौरी तौर पर अटेंड नहीं किया गया, बल्कि आज किया था। अगर हम कहें तो ये इस्तदा मुस्तरद हुई है, कमेटी को वापस नहीं भेजा गया, यही बेंच कंटिन्यू करेगा केस सुनना। और नहीं, ये अभी मेरे ख्याल से मुस्तरद तो नहीं आप कह सकते, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आज किया तक, तो मैं ये कहूँगा ना कि आज तक या तक उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं। अब उन्होंने जब उसके साथ ऑर्डर जारी कर दिए हैं, इसी बेंच ने ऑर्डर पास किए हैं और कहा है कि अटॉर्नी जनरल तफसील दें, और मामले को इस तरफ ले जाया गया है कि जहाँ पर यह नज़र आना शुरू हो गया है कि अब कुछ मुलजमान अगर बरी हो गए 2-4 दिन में, तो फिर तो दायरा इख्तियार तो इस्टेब्लिश हो गया कि मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल करके ही बरी कर रही हैं ना, कि इनका कसूर नहीं निकला। तो उसके बाद फिर आप सजा दिलवा जिनको होनी है उनको कैसे रोक सकेंगे कि इनके ऊपर दायरा इख्तियार नहीं बनता। इसमें बड़ी हैरान कन चीज़ थी कि अज़ा हसन और दीगर जो है वो कह रहे हैं जी कि ठीक है जिनको बरी करना है कर दें, लेकिन बाकी को सजा नहीं देनी क्योंकि इख्तियार नहीं है। ये फिर इख्तियार तो कायम हो जाएगा, वो यही बात बड़ी टेक्निकल सी बात है, और एतराज़ अहसन साहब इसका खतर ख्वाह जवाब भी बाहर नहीं आकर दे सके, जब हमने से बात भी की है। वो बहरहाल ये इस बात पे मुसर हैं कि जो इख्तियार समाअत है हम उसको नहीं मान रहे, मगर दूसरी जानब खुद उनसे रिलीफ भी ले रहे हैं जो बरीयत के मामलात हैं उसके ऊपर। और ये सवाल आपको याद होगा कमरा अदालत के अंदर जस्टिस मुसर्रत लाली ने ही रेज़ किया था एक मौके के ऊपर, जब उन्हें फौरी तौर पर रोक दिया था बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने। एतजाज़ अहसन से मुखातिब होते हुए जस्टिस मुसर्रत लाली ने कहा था कि एतजाज़ साहब, अगर आप ये कहते हैं कि जो लोग जिनकी सज़ाएँ कम है या जो बरी होते हैं, जो एक्विटल्स के केसेस हैं 103 में से, उनको जो है उनके हवाले से फ़ैसला करने देना चाहिए फौजी अदालतों को, तो फिर आप काफ़ी हद तक जो इख्तियार समाअत है वो तो मान रहे हैं। जब ये उन्होंने बात की तो उन्हें फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने रोका और उनसे कहा कि मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि उस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन खान यही प्रपोज़ल सामने रख रहे थे तमाम फ्रीकैन के, कि मैं ये समझता हूँ और मेरे फाजिल जो मेम्बरान हैं बेंच के, हम सब कि ये एक मुतफिका राय है कि वो लोग जो बेगुनाह हैं और एक तवील अरसा से कैद काट रहे हैं और जिन्होंने बरी हो जाना है, क्योंकि तमाम केसेस ऐसे नहीं होते 103 में से कि तमाम ही लोग उनको सज़ा होगी, और ये बात अटॉर्नी जनरल ने एक दफ़ा पहले भी कही थी कि कई ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जो बरी हो, एक्विटल्स के केसेस हों, तो बेहतर यही है कि जो अगर बरीयत के मामलात हैं उनको अगर हम कह दें कि उनके ऊपर फैसला सुना दिया जाए, क्योंकि फैसले तो ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, सिर्फ अनाउंस नहीं हुए। तो यहाँ पर ये अब बहस एक नई जन्म ले गई है और अब उन्होंने रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है, इसके ऊपर आप क्या समझते हैं? जो रिकॉर्ड आएगा, अव्वल तो ऑब्वियसली कुछ एक्विटल्स होंगे और कुछ लोगों की सज़ा 6 से 1 साल के दौरान होगी, तो उसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्शली इस बात को फ्रीकैन की रजामंदी के साथ तस्लीम कर लेगी कि उनका ये इख्तियार समाअत है, तो उसके बाद फिर केस किस हद तक? आप ये देखें कि 28 तारीख को जब अटॉर्नी जनरल आगे कहेंगे जी कि ये 20, 25, 35 या 38 बंदे जो है ना बरी होते हैं,
उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगी या नहीं, अच्छा बरी हो गए तो उनको अंदर रखें, हो गए कि छोड़ो, तो जब वो छूट जाएंगे तो इसका मतलब है कि मिलिट्री कोर्ट्स के 38 मुलजमान की हद तक फैसले को तस्लीम कर लिया गया है और मिलिट्री कोर्ट्स को भी तस्लीम कर लिया गया है। तो ये उसके बाद मामला आज के ऑर्डर के बाद मेरा ख्याल है ख़त्म हो गया है। अब इस केस में कोई उतना इम्पैक्टफुल फैसला नहीं आने वाला इन अपीलों पर कि जिसमें ना बड़ी हलचल हो जाए। हाँ, आखिर पर हो सकता है कि फाइनल आर्डर में सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि नहीं ठीक है, वो फैसला ही ठीक था पुराना, क्योंकि इसमें इन्होंने कुछ जवाब नहीं देनी, अपील है ना, डिसमिस कर दें। इसमें एक चीज़ है ना, जहाँ तक अब हम लोग चलें तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब ये भी तो देखें कि वो जो 103 लोग हैं उनमें से अगर जो लोग बेगुनाह हैं, अगर आप एक मिनट अगर मगर की मैं बात करता हूँ, वो 103 ही नहीं है, 103 मिलिट्री की तहवील में, उसके अलावा सैकड़ों नौ मई के मुलजमान हैं जो कि प्राइवेट ATC का सामना कर रहे हैं और मुख्तलिफ जेलों में, और 5 की पिछले दिनों यहाँ से जमानत भी हुई है, तो वो भी तो जेलों में हैं, उनमें से भी कल कितनों ने बरी होना है। तो इस पैमाने के ऊपर आप ये तो नहीं करेंगे ना, आपने तो आइनी तौर पे देखना है कि कोई अदालत आपके उसके कोर्ट ऑफ लॉ की हैसियत रखती है या नहीं, और सिविलियन का ट्रायल कर सकती है या नहीं, आपने तो इसी एंगल से ही देखना है कोर्ट ने। उसने अगर इन चीज़ों पर हमदर्दियों पर जाके अगर एक की हमदर्दी में बात करेगी, दूसरे की यार उसने तो संगीन जुर्म भी बढ़ा किया ना, आप उसे सजा भी दो, तो इस बात पर नहीं जाएगी। कोर्ट ने सिर्फ तय करना है मुलजमान जिन्होंने बरी होना है ना, ATC में जाएंगे तो बरीद की दरख्वास्त दें, बरी हो जाएं, जमानत की दरख्वास्त दें, बरी हो जाएं। अब यही तो मसला है, जब आम सिविलियन कस्टडी में होगा या ATC में सामना कर रहा होगा, तो जैसे 5 मुलजमान यहाँ आए, उन्होंने जमानत ले ली, वहाँ पे उनके पास एक राइट था ना, उन्हें लगा जी कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं है, वो आए, उन्होंने जमानत अप्लाई की, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और उनको रिलीफ मिल गया, वो घर चले गए। यहाँ पे ये मामला ही नहीं है, यहाँ पे पूछना पड़ रहा है कि कौन कौन बरी बनता है भाई, उसको ले आओ, अगर बरी बनता है तो इसका मतलब है उसकी जमानत भी किसी स्टेज पे बनती थी, वो नहीं ले सका ना। नहीं, यहाँ पर मेरी भी राय एग्जैक्टली सेम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो शहरी हैं, अब अगर जो फ्रीकैन यहाँ पर आए हैं अपीलों में, जो मेन पटिशनर्स हैं, जवाद एस्क्वाजा साहब फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब हैं, सलमान अकरम राजा, उनका तो क्लाइंट डायरेक्टली इस वक्त ज़ेर हिरासत है फ़ौज के, बाकी तमाम लोग तो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर यहाँ पर आए हैं। अगर वो लोग ये समझते हैं कि आज अगर वो लोग अदालत से इत्तेफ़ाक़ नहीं करते और ये केस प्रोलॉन्ग होता है मज़ीद 6 महीने, तो वो लोग जिनकी बरीयत बनती है वो मज़ीद 6 माह गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत रहेंगे, तो उस सेंस में तो अगर देखा जाए तो ये उनकी राय समझ में आती है। लेकिन दूसरी जानब वही सवाल दोबारा आता है कि एक जानब आप कह रहे हैं कि उनका दायरा इख्तियार नहीं है, उनको इख्तियार समात नहीं, और आप उसको मंजूर भी कर रहे हैं। यहाँ पर अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, जिसने उस फैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की थी, जब फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दिया था जस्टिस एजाज़ुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने, नाज़रीन आपको याद होगा 7 या 8 इंट्रा कोर्ट अपीलें उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आई थी, ना सिर्फ वफाक की जानिब से बल्कि सूबों की जानिब से भी, और सूबों के अलावा भी कुछ शहदा कौंसिल है बलोचिस्तान की, उनकी जानिब से बहुत सी इंट्रा कोर्ट अपील्स आई थी। और माना यही जाता है कि ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट का मामला है, तो तमाम लोगों से ये दरख्वास्तें अपीलें करवाई गई हैं। और आज बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, जहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला हैं, उनकी हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपनी वो इंट्रा कोर्ट अपील वापस ले ली है जो निगरान हुकूमत ने कुछ अरसा कबल तक दायर की थी। ये एक इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट है, और जो उनके एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा पेश हुए हैं, उन्होंने वहाँ पर कमरा अदालत के अंदर एक करारदाद जमा करवाई, करारदाद पेश की, जो करारदाद काबीना ने अपेरेंटली मंजूर की है। ये एडिशनल एडवोकेट जनरल की वो ओपिनियन दिया गया हुआ था जी कि हाँ जी आप ले सकती हैं, तो उसके ऊपर करारदाद में चली गई है, आप काबीना उसको मंजूरी दे रही है, और उनका फैसला है कि हम इस की पैरवी नहीं करेंगे, अपील वापस लेंगे, यानी कि हम मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले को तस्लीम करते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मौजूदा ने फैसला किया, अली मीन गंडापुर की हुकूमत ने, उनकी काबीना ने, और अपील वो वापस ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, और वो यानी कि फैसले से पहले अपना फैसला सुना रहे हैं कि हम तो ये हैं। फिर मतलब उन्होंने तो अब इस्टेब्लिशमेंट को बता दिया ना कि भाई हमारी इस मामले के ऊपर जो 9 मई का मामला है, एक जानब हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने 2 टोक अंदाज में बता दिया कि वो एक रेड लाइन है, तो यहाँ पर इन्होंने भी उनको अब बता दिया, बावर करवा दिया है कि हमारा एज अ गवर्नमेंट
अब ये मौकफ है, और ये क्योंकि पहले वो एक सियासी जमात ये गैर मामूली पेशरफ्त है, क्योंकि कुछ दिनों से एक चीज़ अटैच की जा रही थी अलीमिन गंडापुर से कि वो कोई मफामत किसी जगह पे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आज उन्होंने बता दिया कि भाई नहीं, 9 मई के मामले पर हम ये देख रहे हैं। और अभी हाल ही में हम देख रहे हैं एक कैंपेन शेर अब्दुल मरवत साहब के अगेंस्ट भी चल रही है, मुझे नहीं पता उसमें क्या हकीकत है क्या नहीं है, लेकिन शेर अब्दुल मरवत को भी जब हम सुनते हैं 9 मई के वाक़े के ऊपर, तो उनका स्टांस भी बाकी सबसे सख्त होता है। तो ये बड़ी हैरान कन बात है कि अब मैं आपको बताता हूँ, पीटीआई वालों ने अंदर ना जितना किसी ने माइंड करना है करे, बड़ी जंग को छोड़ के ना तो छोटी छोटी लड़ाइयों की आड़ में सारे छुप रहे हैं पीटीआई के अंदर लोग। मैं देखता हूँ कोई ट्वीट उतनी सख्त किसी असल मुद्दे पे नहीं हो रही, शेर अफजल मरवत के खिलाफ उनकी सोशल मीडिया भी करेगी, शेर अफजल मरवत के खिलाफ उनके लीडरान भी आ जाएंगे, जी शेर अफजल मरवत ने ये कह दिया तो भाई फिर आप सारे ही शेर अफजल मरवत हो ना, क्या आप सारों ने सोशल मीडिया पर बात करनी है? फ़ोन उठाओ, आपकी पार्टी का बंदा है उसे कोई यार तू पार्टी लाइन के खिलाफ ये बात कर रहा है, तो ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, शायद अफरीदी ने असल में ये बात की इससे हम ऑफेंडेड हैं, तो आपने ट्वीट में तरमीम करो, उसने ट्वीट की, आप सारों ने ट्वीटें दाब दी और पूरी माहौल ये बना हुआ है कि आपस में गुथम गुथा हो आप लोग। तो बस उधर ना पीटीआई के अंदर हर बंदा इस वक्त ना, यहाँ पे शोएब शाहीन साहब मुझे उनके चेहरे पर तो ज़रा सी वो भी नहीं लग रही ना परेशानी भी कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ हुआ है, ठीक है नहीं तो वो उनका मैंडेट देखे ना, उनका मैंडेट था अभी तो नहीं ना भाई, वो टिकट होल्डर थे ना एक किस्म के, ठीक है, उनको यहाँ पे पीटीआई वालों ने वोट दिए थे, तो वो लोग आपस में ना छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझ गए ना, तो बड़ी लड़ाई से किनारा कशी चाह रहे हैं, वो चाहते हैं हमारी हाजिरी भी लगी रहे और नौ मई के ऊपर हमें बात ना करनी पड़े। शेर अफजल मरवत जो है ना वो इलेक्शन से पहले भी, मैं उस बंदे का कोई फ़ैन नहीं हूँ ठीक है, लेकिन वो पार्टी पॉलिसियों के खिलाफ जाते हैं लोगों के, ये वो सारा कुछ करते हैं, और शायद एक पार्टी डिसिप्लिन को भी वो वायलेट करते हैं, लेकिन वो एक मजाज का नाम है ना, तो बाकी तो नहीं ना वो मजाज वाले, बाकी भी अगर उन्हीं के मजाज में आके उनके साथ सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बस उन्होंने भी कहा हल्की हल्की टोलकी बजाए रखो आपस में ही, क्योंकि बाहर तो हमारा चारा नहीं चल रहा, सिचुएशन नॉर्मलाइज हो चुकी है, धांधली वाला चैप्टर बाकी ऐसा नहीं रह गया। सुप्रीम कोर्ट में अहमद खान की पटिशन एक पटिशन ही होगी जब तक पब्लिक प्रेशर नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, पब्लिक सतह पे डिबेट ही नहीं होगी तो वो पिटीशन एक दिन लगेगी, मुलतवी होगी, 2 महीने की तारीख पड़ेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा पिटीशन किधर गई किधर नहीं गई, ये एक पॉसिबिलिटी मैं बता सकता हूँ, ठीक है, कि ऐसा कोई एहतजाज नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में वो लग भी जाएगी तो, लेकिन अब यहाँ पर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, 9 मई के ऊपर हम देख रहे हैं कि जो मौकफ इन 2-3 लोगों का है उनके ऊपर ही तनकीद भी हो रही है विद इन पार्टी, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हों चाहे वो शेर अफजल मरवत हों। दूसरा जो आज मुकदमा था वो सहाफ़ियों को हिरासा करने का था, और उस मुकदमे में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो सोहेल रशीद साहब भी हमें बताएंगे। सोहेल साहब, आज के चीदा चीदा क्या नुकात हैं? एक तो असद अली तूर साहब की नाम लिए बगैर क्लास ली गई है, और आपने कहा डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें डेवलपमेंट्स नहीं हुई हैं, वो उसमें तारीख हुई है, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट्स नहीं हुई हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं कि जी कोई वो आ जाते हैं, हाँ इमरान शफकत की हद तक जो पुराना केस चल रहा था उसमें इमरान शफकत की एफआईआर वापस होगी, हाँ वो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनमें कुछ ऐसा नहीं आया जिसके ऊपर केस बने, और उनके ऊपर आप पता क्या, वो बुशरा बीबी से मुतलिक प्रोग्राम थे और बड़ी निजी जिंदगी से मुतलिक प्रोग्राम थे, उनके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने माना है कि इसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस कोई नहीं बनता, इट मीन्स के बाकी जो हालिया नोटिस हुए थे एफआईए के उनमें भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता, क्योंकि वो तो निजी ज़िंदगी के भी नहीं थे, वो तो एक पब्लिक फैसले के थे। चीफ जस्टिस को क्या ऑब्सेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जानते बूझते हुए क्यों पूछते हैं कि वो हुकूमत उस वक्त किसकी थी? उस वक्त हुकूमत किसकी थी? इमरान खान की, हाँ करार पै गया, इधर नहीं पूछ रहे जब असद अली तूर के ऊपर एफआईआर हुई है तो भाई अब किसकी हुकूमत है, ये बात नहीं पूछते। नहीं, वो कहते हैं आज की बात क्यों, उन्होंने साथ ही कहा ना कि आज की बात करते हैं कल को लोग भूल जाते हैं, ठीक है भाई, ठीक है कल भी याद रखें, आज भी याद रखें, आज कल कल को जाके तो आज भी जो है ना कल हो चुका होगा, फिर हम इसे याद कर लेंगे, पीछे वो इमरान शफकत के केस के साथ ही हमने अपने केसेस अटैच करवाए हैं ना, तो हम तो चाहते हैं कि उनको रिलीफ मिले, सारों को मिले। मुझे लगा था कि जब उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि अच्छा इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा साथ ही पूछेंगे असद तूर वाले में बनता है, तो अटॉर्नी जनरल कहेंगे नहीं, वो उन्होंने पूछा भी नहीं, बल्कि असद अली तूर के खिलाफ तो उन्होंने अपना खैर एक वो भी गुस्सा भी शायद निकाला, उन्होंने कहा कि अब 2021 में जब 4 लोग हमारे पास आए थे हमने नोटिस लिया था, और एक तो उन्होंने आज गुस्सा अपना जस्टिस बंदयाल पर भी निकाला, उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त हमारे नोटिस के ऊपर हमें फैसला करने दिया जाता तो आज ये हालात ना होते, उसके बाद ही
असद अली तूर को मारा गया, मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया, अफसार आलम को गोली मारी गई, अगर उस वक्त हमने वो फैसला कर लिया होता तो ये तमाम वाक़यात ना होते। काफ़ी हद तक उनकी बात दुरुस्त थी, मगर फिर भी उनका जो असल निशाना थे वो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे उस वक्त जिस तरह। ये उन्होंने उस दौर के बारे में बात करते हुए ये ज़रूर कहा, लेकिन जब बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने इस दौर के बारे में बात की कि साफियों को नोटिस हुए हैं ये वो, तो चीफ जस्टिस ने फरमाया कि वो तो केस टू केस ही देखा जाएगा ना, मैं यहाँ बैठ के एफ आई आर तो ख़त्म नहीं करवा सकता, मैं तो नहीं कर सकता, तो केस टू केस देखा जाएगा। और फिर उन्होंने कहा जी मिस यूज़ हो रहा है पीका का, उन्होंने कहा देखें साफी के साथ क्या होता है, इस पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन केस टू केस ही देखा जाएगा। तो केस टू केस देखा जाएगा जी, सारों का केस, सतूर का केस भी केस टू केस देखा जाएगा। सतूर साहब के बारे में भी उन्होंने कहा है कि 2021 में जब ये चार लोग आए थे उनमें से एक साहब आज भी उनका मामला चल रहा है, और वो साहब यहाँ पर आकर अपनी दरख्वास्त वापस ले गए हैं। मीडिया में बैठकर वो बड़ी तनकीद करते हैं, बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर सामने नहीं आते, ना हमारे सामने पेश होते हैं और ना ही हमें कोई चिट्ठी पर लिख कर देते, मौकफ नहीं देते। तो उन पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज सतूर साहब तशरीफ़ लाएंगे। अच्छा, मैंने कोशिश की थी सुबह रब्ता करने की, उनका नंबर मिला नहीं मुझे, तो मुझे लगा था कि आज वो आएंगे कोर्ट में, वैसे केस सुनेंगे तो सही, कम अज़ कम रिपोर्ट करेंगे, उनसे मुतालिक भी है तो शायद वो आएंगे, लेकिन मुमकिन है वो भी शायद एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं। कल परसों उन्होंने कहा था कि वालदा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो वी आर नॉट वॉकिंग इन हिज शूज़, वो बेहतर जानते नहीं, हैं वो तो हमने भी बतौर दोस्त यही मशवरा दिया था कि वो घर वालों को टाइम दें, क्योंकि उनकी वालदा बड़े कर्ब से गुजरी हैं। किस कैफियत में है, ऐसी सिचुएशन के बाद शायद घर वाले डरते ही होंगे कि बंदा बाहर जाएगा, तो वो थोड़ा सा उन्होंने उनकी भी वो करने है, उनके साथ उनका जहन भी दोबारा बनाना है, दोबारा नॉर्मल होने के लिए, घर वालों को नॉर्मल करने के लिए कि जी कुछ नहीं ऐसे ही करते हैं, बड़ा मुश्किल टाइम होता है। आप तो सफ़र कर लेते हैं, लेकिन वालदैन जो है ना उनके लिए बड़ा मुश्किल सफ़र होता ही उनका है सर, बिल्कुल सफ़र होता ही फैमिली का है। अकेला बंदा कोई भी, मेरा ख्याल है अपनी यहाँ तक कभी भी नहीं डरता कि जी मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है इधर बैठे हैं उधर बैठे हैं एक ही जगह है, लेकिन फैमिली वालदा वो उनकी जगह जगह पर जा रही थी, तो मेरा ख्याल है वो भी उन्हें कुछ कह रही होंगी कि छोड़ो अभी वो एक घर में चल रहा होगा मसला। बिल्कुल ऐसे, चले बहुत बहुत शुक्रिया सुरेशी साहब। नाज़रीन, आपने सुना ये दो मुकदमात थे और दोनों में आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी भाई जान।